कान फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे, ये देखो मुझे ये धंधा नहीं होता ना ये वाला, तो मैं इलेक्ट्रिक छूता भी नहीं। जॉनी भैया को कुछ तो हो जाता है, जैसे 5:55 होते हैं ना तो उनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा जाग जाती है। ये बुध सर्किट का लेआउट है एंड सेज पोर्शे एक्सपीरियंस 2024। चलो हम लोग पहुंच गए गेट और ये रहा हमारा प्लेन, इट इज अ बोइंग 787 ड्रीमलाइनर। That's the one. Air India वालो जरा प्लेन साफ वाफ करवा लिया करो, मुझसे ले लो पैसे लेकिन साफ कर दो, ऐसे देखने में गंदा लग रहा है। सच बात बताऊँ आपको, मेरी नानी के घर में भी ना जो 1950 में बना था उसमें भी बेटर सोफे हैं इससे, ठीक है सच बोल रहा हूँ। इतना ज्यादा कोल्ड प्रेस्ड है ना खट्टा हो गया। आज हमारे साथ हैं फूड ब्लॉगर गगन चौधरी, चलिए शुरू करिए। जब खाना आया है तो आप गिल्ली डंडा क्यों नहीं निकाल रहे? और बताओ एक छोटी सी चीज, वादा करो मना नहीं करोगे, पक्का प्रॉमिस, आंखों में आंखें डाल के बात करो। तो कल हम जा रहे हैं ट्रैक पे और मैं चाहता हूँ कि मैं जब ड्राइव करूँ तो आई लुक वेरी गुड POV में, इसलिए मेरे जो नाखून है ना वो थोड़े बड़े हो गए हैं, मैं काटना चाहता हूँ। कल लैंड हो गया मुझे नेल कटर दे दोगे? नहीं क्यों नहीं दोगे सर? इट हैज गॉन टू अ वेरी स्पेशल पर्सन। क्या बात है, साले ने मेरे को कभी नहीं दिया कैंची भी नहीं दी और इधर नेल कटर बांटता फिर रहा है। मेरे को लग ही रहा था वापस तो नहीं आएगा, महंगा था? नहीं नहीं मतलब वैसे नहीं, क्योंकि देर रात को लिया था। नहीं बट महंगा, हाउ एक्सपेंसिव? 120, इतना महंगा? इट इज टू मच ब्रो। बट नहीं नहीं हुआ क्या वो सुना नहीं? मैं रात को मुझे लग रहा था वापस तो कहीं आएगा, क्योंकि मैं तो अब सुबह जल्दी निकल जाएंगे हम लोग, तो मैं कब मिलूंगा? फिर मैं चलो कोई ना, मैं गौरव को ये बोल देता हूँ कि जेब में मत रखना वरना चेक इन में पकड़ा जाएगा, तो मैं बोलना भूल गया। मैं क्यों ही बोलता, मुझे लगा ध्यान तो दे ही लेगा गौरव को। सुबह मेरे को फ़ोन करके बोलता है, बोले यार वो सिक्योरिटी चेक में अटक गया, बोलता है नेल कटर लेके कहाँ जा रहे हो? मुझे लगा ही था भैया पकड़े जाओगे पकड़े। गौर से देखिए इस शख्स को, एयर इंडिया को इसने ब्रिटिश एयरवेज बना दिया है, उल्टा बैठा हुआ है यहाँ पे, ये खोल के उस साइड बैठ गया। गगन लैंडिंग टाइम पे नहीं होने वाली, इसलिए मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, स्नान लेना है तो अभी ले लो जाके अंदर इधर ही। आपने बुक किया क्या शावर? 15 minutes यू गेट इन द वॉशरूम टू टेक अ बाथ इन एयर इंडिया। चलो लैंडिंग होने वाली है एनी टाइम, मुझे अभी ब्रेकफास्ट मिल रहा है क्योंकि मैं सो रहा था तो वेरी 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 लेट। जॉनी भैया की भूख नहीं मिट रही आजकल, भूख नहीं मिट रही आजकल। ये लैपटॉप निकालने का राज क्या था? क्या काम किया आपने? नथिंग एट ऑल ब्रो, नथिंग। बंदा कैसे सो रहा है, क्या प्रॉब्लम है जिंदगी में? देखो नहाने तो मैं आपको देने नहीं वाला, कितनी भी कोशिश कर लो वो तो होने नहीं वाला, स्नान तो भूल ही जाओ। मैं जब तक नहीं, प्लेन से नहीं उतरूंगा, ये ललित को लेके पहुंच जाऊंगा। आई एम सॉरी, आप नहा नहीं सकते, आप नहा नहीं सकते, समय क्या हुआ है? देखो प्लेन टाइम पे लैंड नहीं हुआ है, लेट लैंड हुआ है, नहाने का भी स्कोप नहीं है। बट आई हैव गुड न्यूज़ फॉर यू, आई कैन गिव यू अ डिओड्रेंट सो यू कैन डू अ डिओ बाथ। हम लोग कॉलेज में ही करते थे, हम लोग ना सालों साल नहीं नहाते थे, डिओ बाथ देते थे। चलो गाड़ी तो आ गई है लेकिन ये टर्बो नहीं CVT है, तो थोड़ा डिले हम हो सकते हैं बट नेवर माइंड। जॉनी भैया आज आपको जॉनी भैया बनना पड़ेगा, ठीक है? फुल स्पीड गो, जो आपने पूरा सीखा है वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दो। अगर रोशनी को पता चल गया गगन ने बाहर क्या क्या हरकतें की हैं तो भाई की तो वाट लगने वाली है। कैमरा रिकॉर्ड करके आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? ऐसी क्या, सच तो बता रहा। एकदम पलट गया, इतनी देर गाड़ियों की बात कर रही थी, कैमरा ऑन कर। अगर गगन को पता चल गया, अगर गगन को नहीं, नहीं यार पता है, एक तो है ना जानबूझ के ना अपने अंडरवेयर में ना कुछ ऐसे मेटालिक आइटम लेके जाता है तो फ्रिस्किंग होती है, क्योंकि वहाँ पे लेडीज करती है फ्रिस्किंग, तो भाई बोलता है हाँ मैं तो आज मजे लूंगा। फिर क्या हुआ पता, हम लाइन में लगे हुए थे, ये भाई ने क्या किया पता, जानबूझ के लड़की पे गिर गया, बोलते ओह आई एम सो सॉरी आई एम ब्लाइंड। या तो हम लोग बहुत लेट पहुंचे या बहुत जल्दी। बोलो क्या अपडेट है?
बता दे भाई बता दे। अब मैं तेरे को एक हफ्ते छोड़ के गया हूँ, कुछ अपडेट है कि नहीं? एक हफ्ते दिया आपने? हाँ एक हफ्ते, एक हफ्ता दिया भाई, एक हफ्ता बहुत होता भाई। अरे इतनी प्लानिंग क्या, हम लोग को देखो बिना प्लानिंग के पहुंच गए ना इधर। प्लानिंग करते हैं एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहे आज तक, जो प्लानिंग करने में कोई एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा। यू जस्ट एम एंड गो, डबल मीनिंग पे डबल मीनिंग का। लेट्स डू इट। सब गाड़ियां यहां पे खड़ी हैं, पैनामेरा टर्बो, एस्कैन टर्बो, ये सब की सब, बट द स्टार ऑफ द शो इज एक्चुअली आउटसाइड, वहां पे बाहर खड़ी है। लेट्स गेट टू इट एंड देयर इट इज द 911 GT3 RS। अनबिलीवेबल, क्या लगती है। ये देख के कुछ याद आया, मेरे पास है ये सब पड़ा हुआ। जॉनी भैया अभी करने वाले हैं चैलेंज, रेडी 3 2 1 गो जॉनी भैया गो। Where is the Josh bro? ये गाड़ी कभी खाली होती नहीं, कोई ना कोई आसपास कुछ ना कुछ शूट करते रहता है। एनीवेज लंच कर रहे हैं, काफी ज्यादा भूख लग रही थी, बट एनीवेज ये है लीड कार हमारी, तो ये तो स्लो होगी ना 911 GT3 RS के सामने। ड्राइव डन और अभी उल्टी करने का टाइम आ गया यार, हालत खराब हो गई यार, बहुत ज्यादा जी फोर्स। इसके भी ये ले जाओ, आपको दे रहा हूं मैं। GoPros for sale, GoPros for sale, GoPros for sale, anyone wants to buy? Tire change or what? I think so. Oh, अपनी प्यारी GTS दिख गई, ये रही अपनी मकान GTS, बहुत मजेदार गाड़ी चलाए, मजा आ जाता है। और ये यहाँ पे सब गाड़ियाँ खड़ी हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से, हम थक गए। कान फटे तो फटे लेकिन नवा भी ना घटे, ये देखो मुझे ले आया हूँ मैं रेडी टू ड्राइव इलेक्ट्रिक्स। इलेक्ट्रिक देखो चलानी पड़ेगी, आप कितना दूर पर चलो, तेरा धंधा नहीं होता ना ये वाला, तो मैं इलेक्ट्रिक छूता भी नहीं। माय एस इज योर फ्यूचर, इलेक्ट्रिक स्कूटर बोलता है साला। अरे जॉनी भैया चलो टाइकन का भी एक राउंड मार ही लिया हमने। A few inches later. चलो एक और टाइकन चला ली, क्योंकि क्यों नहीं, मजे करो। पीने लायक नहीं रहेगा जॉनी भैया? क्यों नहीं रहेगा, अच्छे क्यों उससे कर रहे हो? अरे प्लास्टिक से करो, डिपिंग एनी प्लास्टिक बॉटल। हाँ वो तो रहा था। Oh, thank you. Now you drink it. Thank you. पीलो पीलो पीलो। अरे बहुत अच्छा है, कम्बुचा है। I don't drink नकली beer. अरे कम्बुचा है, कम्बुचा। ये पोर्शे का जो ट्रैक डे है ना, कितने दिन चल रहा है पता है? ऑलमोस्ट एक महीना। तो आज मीडिया को बुलाया, 12 मीडिया, और ये नेक्स्ट करेंगे कस्टमर्स के साथ। इससे मुझे याद आया, जुबैर जवाब चाहिए। एक एक सवाल है हमारा, जवाब बताओ। सवाल जानते हो तुम, जवाब बताओ। पहले सवाल बताओ, डिनर में क्या खाओगे? जो होगा वो खाएंगे। आप तो फिर भी थोड़े लल्लू हो, क्योंकि आपके पास घर में सिम्युलेटर तो है नहीं, तो आपको तो लाइंस भी नहीं पता है। मुझे एग्जैक्टली, मुझे ऐसा लगता है कि जो खाना है ना, ऐसे 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 ऊपर आ रहा है। आई फील दैट ब्रो, इसीलिए मुझे पता है कि जब मेरे पास बैठा था ना बंदा, तो उतर के चला गया कि मेरे को तो भाई वॉमिट आ जाएगी। कौन था ये, कौन था? अच्छा वो सब छोड़ो, वो सब, एक सच सवाल पूछो। पहले मैं बताता हूं कौन था। नहीं पहले एक सच मैं बताना चाहता हूं। ये देख रहे हो आप, ये आदमी ये था, ये कौन है? वैसे एक बात बताओ, मैं चाहता हूं आप पूछो सवाल। मैं चाहता हूं आप सवाल पूछो। पूछो आप पूछो। ये भाई क्यों निकल गए? ये आदमी समझदार हो गया है धीरे धीरे, इसको पहले ही पता चलने लग जाता है कि फ्यूचर में क्या है। दिस इज कॉल्ड एआई से भी तेज आदमी, बिकॉज ही इज नॉट बीइंग रिएक्टिव, ही हैज बीन असर्टिव। एआई से तेज है लेकिन एक काम तेजी से नहीं कर पा रहा है। ये प्रोटोकॉल नहीं फॉलो करता, इसकी ये प्रॉब्लम है। नहीं नहीं बोलो, टिप्स दो, टिप्स दो। कैमरा बंद करो तभी तो दे पाऊंगा। टिप्स नहीं है, टी सीरीज दे दो। टी सीरीज नहीं है तो दूसरी सीरीज देनी पड़ेगी।
What an amazing wing. Sexy. हेलीकॉप्टर जॉनी भैया को कुछ तो हो जाता है, जैसे 5:55 होते हैं ना तो उनके अंदर पता नहीं कौन सी आत्मा जाग जाती है। आज मजा आ गया शूट करके, ट्रस्ट मी, व्हाट फन, व्हाट अ कार। पता है सब लोग चले गए, सब घर चले गए, लोग एयरपोर्ट एयरपोर्ट में, कोई लोग फार्मर्स प्रोटेस्ट में जाने थे वो भी चले गए, लेकिन हम लोग निकलना ही नहीं चाहते, गाड़ी देख रहे हैं, बस गाड़ी देख रहे हैं। हमारी ये आदत है ना, पता है जब तक हमें कोई हकाले ना, कोई कोई अगर रोकने वाला ना हो ना, मैं तो अभी लेके निकल जाता ट्रैक पे 2-3 मैं ये बता रहा हूँ आपको, अब तो कोई हकाले का नहीं नाम है, हम निकलेंगे नहीं। कल जब कस्टमर आएंगे ना, हम यहाँ पे बैठे रहेंगे। वो जो बंदा है ना, जो क्रू वाला बंदा है, वो 4 बार पोलाइटली पूछूंगा कि आपको कितना टाइम लगेगा, अलग अलग वे, और हमारा तो हमेशा स्टैंडर्ड जवाब होता है 2 more minutes प्लीज। वो सच में मारेगा, चलो बेचारा नहीं जाऊंगा, मैं तो छोड़ के नहीं जाऊंगा भाई। गगन आप जानते हो ना, कल कस्टमर आ रहे हैं चलाने, लेकिन गाड़ी नहीं चला पाएंगे क्योंकि मैं इसको बैटरी पावर पे कब से ऑन करके बैठा हूँ। बैटरी गोल, चलो बाकी गाड़ियों की भी बैटरी गोल है क्योंकि टाइकन बहुत सारी है इलेक्ट्रिक्स। ओ माय गॉड ब्रो, चलो खेल स्टार्ट होना चाहिए अभी, लेट अस जस्ट प्ले ब्रो। ओह या पेनल्टी, अभी क्या टाइम हो रहा है पता है, अभी 6:30 6:24 हाँ 7 सबके सब निकल गए हैं, सिर्फ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और बकवास कर रहे हैं, बस हम लोग ही लाइव बैठे हैं यहाँ पे और बोल रहे हैं हम जाएंगे नहीं जब तक कोई हमें निकाले ना। क्यों सर, ये तो ट्रैक पे निकल गया, ये तो सीधा ट्रैक पे निकल गया। चलो जॉनी भैया, नाइस ट्रिप विद यू, और आपके सीने पे मैंने सर तो नहीं रखा, तो अपनी पत्नी को जरूर बता देना। सुनो, खाने चल रहे हो कि जाते हैं अभी? क्या कल के प्रिपेयर भी करना है ना BMW के लिए, आपका तो सुबह स्लॉट है। नहीं नहीं, मेरा तो 2 बोला उसने, 2 बोला है। हाँ। मुझे 12:30 बोल रहे हैं। नहीं आज वो बोल रहे थे कि वो प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी टीम आई थी गाड़ी देखने। अच्छा ओके, तो वो तो क्या दोपहर को मिलते हैं, कल करते हैं, देखते हैं कल कुछ बनेंगे। मेरे ख्याल से कल अपने को थोड़ा ज्यादा टाइम मिलना चाहिए क्योंकि आगे चले गए वो प्रेसिडेंट वाले लोग। ठीक चलो, थैंक यू, सी यू। देखो हमने मैनिफेस्ट किया कि 911 GT3 RS चलाएंगे, हमने चला लिया। ठीक है, ये बकवास इंसान क्या बोलता है, अगर मैनिफेस्ट करे तो खरीदने के लिए खरीदने। आई टेल यू वन थिंग, देयर आर सम थिंग्स व्हिच मनी कैन नॉट बाय, सच एक्सपीरियंसेस, अनलेस यू आर कस्टमर, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। हम तो फ्री फंड वाले हैं। हाई फाइव भी नहीं दिया आपने। हम तो फ्री फंड वाले हैं। हिलाना बंद करो, पता है आप बहुत। अरे ऐलान तो याद है, बताओ भाई निकल जाएगा। होटल तो पहुंच गए, यहाँ पे लिखा हुआ है पोशा एक्सपीरियंस, बट कोई है नहीं, बट मुझे यहाँ पे अपना नाम दिख गया, किधर है नाम ये देखो। एक काम करते हैं, मैं खुद का चेक इन खुद ही कर लेता हूँ व्हाट से। कोई बात नहीं, हम तो चूहे हैं। चलो फाइनली होटल पहुंच गया, काफी टाइम से आउट हो तो नींद वींद आ रही है, वो सब बाद में करेंगे, काफी ज्यादा काम भी है। रूम यहीं पर है, इस होटल में मैं पहले रह चुका हूँ, फर्स्ट टाइम मैं जब रहा था ना पोशा के साथ ही रहा था, जब पहले ट्रैक डे पे गया था 3-4 साल पहले, एंड भाई स्टैंडर्ड रूम है, ऑटो एक्सपो के टाइम हम ऐसे टाइप होटल में ही रहते हैं। खास बात ये है कि पोशा ने कैप दी है, मेरे पास सिमिलर कैप है, बट हुमा का एक अच्छा सा जैकेट जिसकी मुझे पूरे दिन जरूरत थी और अभी मिल रही है। दिल्ली में थोड़ी बहुत ठंड हो रही है, थोड़ी सी डेजर्ट वेजर्ट और ट्रैक का मतलब फोटो, वेलकम टू द पोशा एक्सपीरियंस। और हमें आज ट्रैक पे उन लोगों ने ये दिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि ये बुध सर्किट का लेआउट है, एंड सेज पोशा एक्सपीरियंस 2024। सो थोड़ा बहुत काम वाम करेंगे और क्या, कल एक और इंटरेस्टिंग गाड़ी शूट करनी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, आप लोग वो गाड़ी मतलब आप लोग क्या कोई भी गाड़ी वो अरेंज नहीं कर सकता क्योंकि इतनी ज्यादा ही रेयर है, मतलब नई गाड़ी है फिर भी रेयर, ऐसा कैसे सोचते हैं, बेच रहे फिर भी रेयर कैसे। अरे यहाँ पे तो डिनर पार्टी चल रही है, लिखा हुआ है पोशा एक्सपीरियंस वेलकम, और हमने तो कहीं और ही खाना खा लिया और खाने में कुछ मजा ही नहीं आया। लोकेट इस होटल, चार्जिंग 100 rupees फॉर 1 liter बिस्लेरी वाटर, 20 rupees की चीज बेचो 5 गुना में, 6000 का बिल बना दिया। ये चलती हुई कबर्ड है क्या, ये देखो सब कपड़े भाई ने इधर टांग दिए अपने ट्रक पर। बाय द वे ये क्या है, ये समझ नहीं आ रहा ये क्या है। इस ब्रियो में होंडा सिटी का इंजन है तो हम ये भी चलाने वाले हैं।